यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome, dear friends, to the presence of the living God. हमारे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आपका स्वागत करते हैं। You must know that God loves you. आप इस बात को जानें कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। More than you are anxious to receive a miracle. और आप जितने उत्सुक नहीं हैं चमत्कार को पाने के लिए, Jesus is anxious to give you His blessings. And to do miracles for you. और यीशु मसीह उतना उत्सुक है कि आपको चमत्कार दे और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। My friend, मेरे प्रिय मित्रों, What is a miracle? चमत्कार है क्या? It is nothing but God turning your sorrows into joy. और वो ये है कि परमेश्वर आपके दुख को आनंद में परिवर्तित कर देता है। My friend, मेरे मित्रों, God wants to turn your sorrows into joy. परमेश्वर आपके शोक को आनंद में परिवर्तन करना चाहता है। All your sorrows. आपके सारे शोक को. Because Jesus took all your sorrows upon Himself on the cross. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके सारे दुखों को अपने ऊपर में क्रूस के ऊपर में ले लिया। The sorrow of sin. पाप का शोक. Sickness. बीमारी का शोक. Financial troubles, आर्थिक परेशानियां, loneliness, अकेलापन, curses, श्राप, and even the power of the devil, और शैतान के सामर्थ को भी, Jesus took it upon himself. यीशु मसीह ने अपने ऊपर में ले लिया. Today, my friends, आज मेरे मित्र, you need not carry those sorrows. आपको इन शोक को लेके जलने की जरूरत नहीं है. You need not. आपको जरूरत नहीं है। You have come to cast all your burdens upon him. आप आइए अपने सारे बोझ उसके पर में डाल दें। Don't be afraid. ना डरे। This morning I'd like to speak to you from Habakkuk chapter 2 and verse 4. आज सुबह मैं आपको हबक्कूक अध्याय 2 वचन 4 से सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। The just shall live by his faith. विश्वासी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। The just shall live by his faith. विश्वासी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। I extend it a little further, her faith. मैं इसे ये भी कहूंगा, जो विश्वासिनी है वो अपने विश्वास से जीवित रहेगी। Jesus has given us the word of faith, word of faith, word of faith, and protected our souls. लेकिन यीशु ने हमें विश्वास का वचन दिया, उसने हमारे प्राण को बचा कर रखा, सुरक्षा की इसकी। Next, he has protected us from the devil and given us great overcoming. Through the faith that he gave us. और निश्चित अगली बात तो ये है कि उसने शैतान से हमारी सुरक्षा की और उसने हमें ये महान विश्वास दिया है। Revelation 12, 10 and 11. प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 10 और 11 देखिए। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। They overcame the accuser by the word of their testimony. वो दोष लगाने वाले के ऊपर अपने गवाही के वचन के द्वारा जयवंत हुए। What is this word of testimony? ये जो गवाही का वचन है, ये क्या है? It is the word of faith. ये विश्वास का वचन है। Romans 10, 9 and 8 say so. रोमियो अध्याय 10 वचन 9 और 8 यही तो कहता है। Prophecies call the word of prophecy. भविष्यवाणियों को भविष्यवाणी का वचन कहा जाता है। Revelation 19 and verse 10. प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और वचन 10. Prophecy is nothing but the testimony of Jesus. भविष्यवाणी और कुछ नहीं, लेकिन केवल यीशु की गवाही है। The spirit of prophecy is the testimony of Jesus. जो भविष्यवाणी की जो आत्मा है, वो तो बस यीशु की गवाही है। So the testimony of Jesus
is the word of faith. यानी यीशु की जो गवाही है वो तो विश्वास का वचन है. Every time we give testimony or we prophesy, it is the testimony of Jesus, which is the word of faith. जब भी हम गवाही देते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, ये तो यीशु की गवाही है और निश्चय ही ये तो विश्वास का वचन है. And in verse 8, the Bible says, "This word is near you and in you." और वचन 8 में बाइबल कहती है कि ये जो वचन है ये तो तुम्हारे पास में है और तुम में है. And it is also in your heart. और ये साथ ही तुम्हारे दिल में भी है, हृदय में है. This word of faith is in your heart. It is near you. विश्वास का ये वचन आपके दिल में है, आपके हृदय में है, बिल्कुल आपके निकट है. And every time as this word of faith rises up and makes you prophesy or testify about Jesus Christ, Satan falls. और जब भी ये विश्वास का वचन आपके अंदर में उभरता है और आपको गवाही देने लगाता है, यीशु के बारे में बताने लगाता है, तो निश्चय ही उस समय शैतान गिर जाता है. That's why Satan could not touch you this whole year. और इसीलिए इस पूरे साल भर शैतान आपको छू नहीं सका. You are alive, overcoming the power of Satan this year by the word of faith that came out of you. आपके अंदर से जो विश्वास का वचन निकला है उसके द्वारा आप शैतान पर इस पूरे साल भर पूरी तरह से जयवंत हुए हैं. The word of faith that came into you sanctified you. विश्वास का वचन जो आपके अंदर आया है उसने आपको शुद्ध किया है. And the word of God that came out of you as a testimony, as a prophecy, has made Satan fall before you. और परमेश्वर का वचन जो आप में से बाहर आया है गवाही के रूप में या भविष्यवाणी के रूप में, उसके कारण शैतान आपके सामने पूरी तरह गिर गया है. That's why you are living by faith today. और इसीलिए आज आप विश्वास से जी रहे हैं. Many years ago, बहुत साल पहले, when my father was going through much battles in the ministry, जब मेरे पिताजी सेवकाई में बहुत से युद्धों में से बहुत सी बातों में से होके जा रहे थे, many times the Lord would appear to him. कई बार प्रभु उनके सामने प्रकट होता था. And he would say, और वो कहता, my son, बेटे, do this in the ministry. सेवकाई में तू ये करना. And he would struggle. और वो बड़ी मुश्किल का सामना करते. Because people, when he announces, they will ridicule. क्योंकि जब भी वो कोई घोषणा करते बताते तो लोग इनकी मजाक उड़ाया करते थे. Even his own friends who were also ministering would ridicule him. और यहाँ तक कि उनके खुद के दोस्त जो सेवकाई करते थे वो भी उनका मजाक उड़ाया करते थे. On the other side, he won't have money. जबकि दूसरी ओर उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था. And on the other side, sometimes he would be made very sick. और जबकि दूसरी ओर कई बार तो वो बहुत ही बीमार हो जाते थे. And people would laugh and say, "Oh, God gave him this revelation, but now he is dying." और लोग मजाक उड़ाकर ये कहते थे कि देखो, ये कहते कि परमेश्वर ने इन्हें ये प्रकाशन दिया और देखो अब ये तो पूरी तरह से बिल्कुल मरने पर हैं. At that moment, और उस समय, during one such occasion, Jesus showed him Gethsemane. और ऐसे समय में एक बार यीशु ने उन्हें Gethsemane दिखाई. He showed him what happened in Gethsemane. उन्होंने बताया, यीशु ने दिखाया कि Gethsemane में क्या हुआ. Final moments of the life of Jesus on earth. यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर के जीवन के अंतिम समय की ये घटना थी. And he was struggling before going to the cross. और वो क्रूस पर जाने के पहले बड़ी मुश्किल में पड़े हुए थे, कश्मकश में थे. According to Hebrews 5:7. इब्रानियों 5:7 के अनुसार. He was crying with a loud voice. वो बड़े जोर से चिल्लाकर पुकार रहे थे. With much tears, बड़े आंसुओं के साथ, to the one who could save him from death, उसे पुकार रहा था यीशु जो उसे मृत्यु से बचा सकता था. And in that agony, और उस क्लेश में, पीड़ा में, weakness came upon him, उन पर बड़ी कमजोरी आई. Yes, he became physically weak. हाँ, यीशु शारीरिक रूप में कमजोर हो गया. He fell on the ground. वो जमीन पर गिर गया. And the sweat came out as blood. और उसका जो पसीना है खून के रूप में टपकने लगा. At that moment, और उस समय Satan appeared. शैतान आया. And he was rejoicing. और वो बड़ा खुश था. He was saying, "Surely Jesus will deny his father." अब तो वो कह रहा था कि निश्चय यीशु अब अपने पिता का इनकार करेगा. He will deny his father. He will not go to the cross.
ये अपने पिता का इनकार करेगा और ये क्रूस पर नहीं जाएगा। He will not give his life for humanity. ये मनुष्य जाति के लिए अपने ही प्राण को, अपनी आत्मा को नहीं देगा। See him struggling. इसे कश्मकश से लड़ते हुए देखा। See him struggling. उससे मुश्किल में पड़ा हुआ उसने देखा। He said, I will be the victor. और उसने कहा, मैं विजयी हो जाऊंगा। Satan was saying, I will be the victor. शैतान कह रहा था, मैं विजयी हो जाऊंगा। But according to Hebrews 9:14. लेकिन इब्रानियों 9:14 के अनुसार, My father saw the Holy Spirit coming. मेरे पिताजी ने पवित्र आत्मा को देखा, coming upon Jesus, जो यीशु पर आ रहा था, comforting him, उसे सांत्वना दे रहा था, comforting him, उसे सांत्वना दे रहा था, even the angel could not comfort Jesus, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी यीशु को सांत्वना नहीं दे पाए, the Holy Spirit according to John 16:13, लेकिन यूहन्ना 16:13 के अनुसार जब पवित्र आत्मा आया, showed Jesus the future. उसने यीशु को उसका भविष्य दिखाया and said, Jesus, और कहा, यीशु, as you surrender to God's will, जैसे तू परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाता है, God will give you a name above every name. परमेश्वर तुझे हर एक नाम से बड़ा नाम देगा, and that name will bring salvation to the whole of humanity. और वो नाम पूरी मनुष्य जाति के लिए उद्धार लेकर आएगा. Surrender to God's will. परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जा. Surrender to God's खुद को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर. Surrender to God's will. परमेश्वर की इच्छा के लिए खुद को समर्पित कर. And Jesus was comforted. और यीशु को सांत्वना मिली. And Jesus said. और यीशु ने कहा, Father, पिता, not my will. मेरी इच्छा नहीं. Let thy will be done. लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो. Let thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो. Not my will. मेरी इच्छा नहीं प्रभु. Not my will in the flesh. शरीर में मेरी इच्छा नहीं. Let thy will be done. लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो. Thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो. He spoke the word of faith. उसने विश्वास के वचन को कहा. Trusting in his father. अपने पिता पर उसने भरोसा रखा. Just trusting in his father and handing over his life to him. अपने पिता पर उसने भरोसा रखा और अपना जीवन उसको सौंप दिया. When Jesus said that, जब यीशु ने ये कहा, My father saw Satan falling on the floor. मेरे पिताजी ने देखा कि शैतान नीचे जमीन पर गिर गया है. He was rolling. वो नीचे लेट रहा है. And he cried. और वो पुकार रहा है, रो रहा है. I am undone. मेरा सारा काम बेकार हुआ. I am undone. मैं तो बिल्कुल व्यर्थ हूँ. I am finished. मैं खत्म हो चुका. I am finished. मैं खत्म हो गया. I am finished. मैं खत्म. The word of faith. विश्वास का वचन. Bound Satan. उसने शैतान को बांध दिया. After that, Jesus rose up. और उसके बाद यीशु खड़ा हुआ. And he gave himself as a sacrifice. और उसने अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया. He was not afraid of anybody. वो किसी से भी नहीं डरा. Not afraid of death. मृत्यु से भी नहीं डरा. He went through death. वो मृत्यु में से होकर गया. And he was more than a conqueror. और वो जीवन से भी बढ़कर हो गया. Even today, आज भी, God made us to speak the word of faith. परमेश्वर ने हमें विश्वास का वचन कहने दिया है, कहने लगाया है. Whatever circumstances we may have had to face, चाहे हमने जिस किसी परिस्थिति का सामना किया है, we have always said, हमने हमेशा कहा है, Lord, not my will. प्रभु मेरी इच्छा नहीं. Not my will. मेरी इच्छा नहीं. Your will. तेरी इच्छा. I don't care about what people say. लोग क्या कहते हैं उसकी मुझे कोई परवाह नहीं. I don't care about how my health behaves. मेरी तंदुरुस्ती कैसी है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं. I don't care about what finances I have. मेरे पास कितना पैसा है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है. I don't care about my pride. मैं अपने घमंड के बारे में परवाह नहीं करता. Let thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो. I surrender to thy will. मैं तेरी इच्छा के सामने समर्पित होता हूँ. I surrender to thy will. मैं तेरी इच्छा के सामने समर्पित होता हूँ. And every time we said it and marched forward into God's will. जब भी हमने इसे कहा, हम आगे बढ़कर परमेश्वर की इच्छा में आगे आए. Satan fell. शैतान गिर गया. Satan fell. शैतान गिर गया. We could live by faith. हम तो विश्वास से जी सके हैं.
We could live by faith. हम विश्वास से जी सके हैं. Yes, 1 Samuel 15:22 says. हाँ, पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 22 ये कहता है. Obedience is better than sacrifice. आज्ञाकारिता तो बलिदान से भी बढ़कर है. You have been obedient. आप आज्ञाकारी रहे हैं. Obedient. आज्ञाकारी. Jesus first. यीशु पहले रहे. Jesus first. यीशु पहले स्थान पर रहे. Doing the will of God first. पहले परमेश्वर की इच्छा पूरी करें. That's why you are alive in the spirit. You are alive in the world today. और इसलिए आज आप आत्मा में जीवित है और इसी कारण आज आप इस संसार में भी जीवित हैं. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Loving heavenly Father. हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता. You are greater, Lord, than the greatest problem that we may have. परमेश्वर, आप सारी हमारी जो परेशानियां हैं, जो सबसे बड़ी परेशानी, उन तमाम बातों से बड़े हैं प्रभु. Father, I pray that you will enter into everyone's heart. और ये प्रार्थना करते प्रभु, हर एक के दिल में आप इसी समय आ जाइए. Everyone who is praying with us right now. हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी. Let them be filled with the presence of God right now, Lord. होने दे परमेश्वर, इसी समय वे परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए. You must fill them now. आप प्रभु उनको भर दीजिए. Lord, fill them now. परमेश्वर भर दीजिए इस समय. Every evil power, leave them right now in Jesus' name. हर एक दुष्ट की शक्तियाँ यीशु मसीह के नाम से इसी समय निकल जाएं. Every evil power attacking them because of their sins, let it leave them right now in Jesus' name. और हर एक दुष्ट की शक्ति जो उनके पाप की वजह से यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं. Lord, no more curses in this home. अब प्रभु इन घरों में कोई श्राप ना हो. Take it away by your power, Lord Jesus. अपने सामर्थ्य के द्वारा ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह. The Bible says. बाइबल में लिखा है. At the name of Jesus, every knee shall bow. यीशु के नाम में हर एक घुटने टिकेंगे. Let every knee of every disease bow in Jesus' name. हर एक घुटने, हर एक बीमारी यीशु के नाम के आगे में घुटने को टेक दे. Let your children be healed. आपके बच्चे शिफा को पाएं. Be healed. ठीक हो जाएं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. And God's power flow into every sick organ of every person who is watching right now. और हर एक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके बीमार अंगों में यीशु का सामर्थ्य प्रवेश कर रहा है. Lord, recreate those organs by your power. प्रभु अपने सामर्थ्य के द्वारा उन अंगों का फिर से पुनर्निर्माण कीजिए. Do miracles. चमत्कार कीजिए. Do miracles. चमत्कार कीजिए. Heal. चंगाई दीजिए. Recreate these organs. इन अंगों का पूर्ण निर्माण कीजिए प्रभु. नंदिनी. नंदनी. There is a sister called Nandini. एक बहन है जिसका नाम नंदनी है. You have a problem in your stomach, in your internal organs. आपके भीतरी, आपके पेट में परेशानियां हैं. Oh, there is pus, there is bleeding and so on. और आपके अंतड़ियों में वहाँ पे मवाद और खून बह रहा है. Jesus heals your sister. यीशु मसीह आपको ठीक करता है. Every sister who has a problem in the womb, in the uterus and so on, be healed in Jesus' name. और हर एक उन बहनों की जो तकलीफ है गर्भाशय में, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां ठीक हो जाएं. Thank you, Lord, for doing it. धन्यवाद प्रभु करने के लिए. Thank you, Lord, for healing. धन्यवाद देते प्रभु शिफा देने के लिए. श्याम. श्याम. You have problems. You have so many discharges from your face. और आपके चेहरे से बहुत सारे डिस्चार्जेस है, परेशानियां हैं. You have pus inside. आपके अंदर में वो मवाद है. Yes, God heals you right now. परमेश्वर इसी समय आपको ठीक करता है. Be healed in Jesus. यीशु के नाम में ठीक हो जाएं. Father, every fits making devil. पिता हर एक प्रकार के मिर्गी की आत्माएं. Let it leave them. जाती रहे प्रभु. Let it leave them. जाती रहे. Many are suffering from terrible headaches. कई परमेश्वर सर के दर्द से परेशान हैं. Sinuses. Sinuses हैं. And problem in the ears. और कान में तकलीफ है. Heal them, Lord. प्रभु जी ठीक कीजिए. Heal. ठीक कीजिए. कौशिक. कौशिक. God heals you right now. परमेश्वर आपको इसी समय ठीक करता है. The vein or the nervous system that is going to the brain has a problem. God heals you right now. और आपके दिमाग की तरफ जो नस जाती है उसमें तकलीफ है, यीशु आपको ठीक कर रहा है. Be healed, कौशिक. कौशिक ठीक हो जाए.
God is touching your head. परमेश्वर आपके सर को स्पर्श कर रहा है. The Holy Spirit tells me. पवित्र आत्मा मुझसे कहता है. The hand of Jesus is coming upon you. यीशु का हाथ आपके ऊपर में आ रहा है. Narendra, you have lost much. आपने बहुत खोया है. I know you don't want to lose your wife. मैं जानता हूँ आप अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते. You're crying so much. आप बहुत रो रहे हैं. God hears your prayer, Narendra. परमेश्वर आपकी दुआ को सुन रहा है भाई नरेंद्र. Your wife will live. पत्नी ठीक रहेगी, जीवित रहेगी. Praise the Lord. प्रभु की नाम की स्तुति हो. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. There is a mother crying with a child in her hands. एक माँ ऐसे है अपने उसके हाथ में संतान है और वो रो रही है. You are saying, I don't want to lose my child, Lord. और आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं अपने संतान को खोना नहीं चाहती. God hears your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है. Lord, heal the child, let the child live, Lord. परमेश्वर वो बच्चा जीवित रहे, आप उनको शिफा दीजिए. Please, Lord. कृपया प्रभु जी. Let the child live. वो बच्चा जीवित रहे. Let your power flow into the child, recreate its organs and heal it, Lord. तेरा सामर्थ उस बच्चे के ऊपर में आए और हर एक अंग का पूर्ण निर्माण हो सके. Lord, do miracle. परमेश्वर चमत्कार को कीजिए. Lord, do miracle. परमेश्वर चमत्कार को कीजिए. Heal your people now. अपने लोगों को ठीक कीजिए प्यारे प्रभु. Every fits making devil, come out. हर एक मिर्गी की आत्माएं निकल आए. Don't touch them. उनको स्पर्श ना करें. Don't touch them. स्पर्श ना करें. Every wrong relationships. हर एक गलत संबंध. I break it in Jesus. मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूँ. Lord, let thy children be free. परमेश्वर आपके बच्चे आजाद रहें. Let there be peace in the husband and wife relationship. पति-पत्नी के बीच में शांति रहे उनके संबंधों में. Let every family have financial prosperity. हर एक परिवार जिसके पास आर्थिक परेशानियां हैं. Thank you for releasing them. प्रभु जी उनको आजाद करने के लिए धन्यवाद. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. We give you all the glory. सारी महिमा देते हैं आपको. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. मैं मिसेस प्रीति मसीह रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ. परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन पर अनुग्रह किया और एक बार फिर से गवाही देने का अवसर को दिया है. सन 2006 के पहले मेरी स्थिति बहुत ही ख़राब थी और ये जो मेरा दाहिना हाथ जो था वो ठीक से कार्य नहीं करता था और इससे मेरे को बहुत तकलीफ होती थी और मैं इस वेदना से होकर गुजर रही थी. और जब बॉल दिनाकरण 2006 में जब भिलाई में आए थे तो उसमें उस समय मैं भी उस मीटिंग को अटेंड करने गई थी और उन्होंने वहाँ पे कहा कि जिस किसी को जहाँ भी तकलीफ है वो बड़े बोझ के साथ जो है प्रार्थना करे. Make their bodies new. इनके शरीर को भी नया करे. चंगाई दे. चंगाई दे. चंगाई दे. चंगाई दे. चंगाई दे. In Jesus name. यीशु के नाम में. Be healed in Jesus name. चंगे हो जाए यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु मसीह के. और मैं भी इसी बोझ के साथ प्रार्थना करने लगी कि प्रभु तू मुझे भी चंगाई दे दे क्योंकि मेरे कोई साथ से कोई भी कार्य करते नहीं बन रहा था. तो जब मैं बोझ के साथ प्रार्थना कर रही थी और जब मैं प्रार्थना करके और वापस अपने घर को आई तो दूसरे दिन जो है परमेश्वर ने मुझे इस दाहिने हाथ में चंगाई को दे दिया और मुझे छुटकारे को दे दिया और मैं भी जो है मेरे जीवन में जो भी बंधन था उसको परमेश्वर ने तोड़ दिया. तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. उसके बाद से जब से फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच प्रभु से बहुत दूर हो गई थी और मैं जो है आत्मिक रूप से भी परमेश्वर ने जो मुझे चंगाई दी शारीरिक चंगाई के साथ साथ मुझे परमेश्वर ने आत्मिक चंगाई भी दी और मैं सप्ताह भर जो है इस वेदना से मैं रोती रही कि प्रभु तूने मेरे लिए बहुत आशीषों को दिया है. इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती रही और तब से मेरे जीवन में बदलाव आया और मैं मेरे जीवन में बदलाव के साथ साथ मेरे परिवार में भी बदलाव आया और मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के लिए इसी मिनिस्ट्री में से जुड़कर कोई सेवा को कर सकूं. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूं जब वो प्रेयर टावर वहां 2012 में जब यहां खुला रायपुर में तो मैं भी जो है एक इच्छा को लेकर कि मैं भी प्रभु तेरी सेवा इस मिनिस्ट्री से जुड़कर तेरी सेवा करना चाहती हूँ और मैं वहाँ पर वॉलंटियर के रूप में कार्य करने लगी. वहाँ से तब से मैं सेवा देने लगी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ. इसी सेवा को जो है परमेश्वर ने मुझे और भी जो है एक और ऐसा मौका दिया कि मैं वहाँ एज ए स्टाफ जो है प्रेयर वॉरियर के रूप में आज जो है मैं चुनी गई हूँ. ये परमेश्वर का जो है मैं जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है भाई पॉल दिनाकरण के द्वारा इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ.